टिहरी में भाजपा नेता रोशन रांगड़ ने ओणेश्वर महादेव मंदिर देवल से लंबगांव तक युवा शक्ति रैली निकालकर मिशन 2022 के लिए चुनावी मैदान में उतरने का आगाज किया। ओणपट्टी के देवल में महादेव मंदिर के प्रांगण में आयोजित युवा सम्मेलन और जनसभा कार्यक्रम में भी रांगड़ ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर रांगड़ ने कहा कि लंबे समय से प्रतापनगर क्षेत्र विकास का रोना रो रहा है, जिसे अब प्रतापनगर का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे विश्वास नहीं था कि इसमें जो हजारों की संख्या में ऐसे समय में युवा आएंगे जब कोरोना काल में सारे लड़के अपने जो है वापस चले गए, अपनी नौकरी के लिए वापस चले गए। लेकिन जब मैंने 25 तारीख को सोशल मीडिया पर एक मैसेज देने का काम किया कि प्रताप नगर के युवाओं एक हो जाओ, युवा शक्ति जिंदाबाद का नारा दे करके जो है एक आह्वान पर जो है प्रताप नगर के ओणेश्वर महादेव मंदिर में देवल में जो है सब लोगों को बुलाया था, तो मुझे विश्वास नहीं था कि इतने हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है युवा साथी आएंगे प्रताप नगर के। मुझे लग रहा है प्रताप नगर परिवर्तन चाह रहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी संगठन के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आपका मुझे आशीर्वाद रहा तो मैं प्रताप नगर की जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जो है प्रताप नगर विधानसभा की सीट को जो है जिताकर भेजूंगा। नैनीताल जिले के रामनगर में राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली के तत्वाधान में 4 दिवसीय विज्ञान प्रचार प्रसार कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रतिभागियों ने सोलर घड़ी बनाना सीखा। कार्यक्रम में वैज्ञानिक दीपक शर्मा ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी नापने का प्रयोग भी करके दिखाया। कार्यशाला में इसके अलावा विभिन्न प्रकार के नए प्रयोग सिखाए गए। मैं दीपक शर्मा हूँ, एनएस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, विज्ञान का शिक्षक हूँ और दुनिया का पहला व्यक्ति हूँ जिसने पृथ्वी से सूरज की दूरी नापी 8 जून 2004 को, और एशिया का पहला टीचर हूँ जिसे यूरोपियन साइंस मीट में इनवाइट किया गया था 2011 में, और वर्ल्ड का पहला रियलिटी शो हम लोगों ने विज्ञान घर के रूप में बनाया था जिसमें जिम्मेदारी मेरे पास में विज्ञान गुरु की थी। आज जो खास ट्रेनिंग है वो दो बड़े प्रयोग थे, वैसे तो दैनिक जीवन में विज्ञान को लेकर और कम लागत में विज्ञान को कैसे पढ़ाया जा सकता है, शिक्षण सहायक सामग्री कैसे बनाई जा सकती है कम से कम पैसों में ताकि सरकार पर बोझ अननेसेसरी करना पड़े और शिक्षक इस बात को कह के बच ना जाए कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास लैब स्थापित नहीं है तो विज्ञान को हम लोग कैसे पढ़ाएं। तो इसके लिए कम लागत पर और जो दैनिक जीवन में आसपास का जो वेस्ट सामान है उस सामान का उपयोग करते हुए हम किस तरह से विज्ञान के सिद्धांतों को प्रैक्टिकली और आसानी से वर्किंग मॉडल में बनाते हुए समझा सकते हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका तो यही था। लेकिन आज तीसरे दिन इस कार्यशाला में हम लोगों ने क्या काम किया कि दो बड़े प्रयोग किए, पहला पृथ्वी की परिधि नापने का और दूसरा एनालेमा सन डायल बनाने का, और ये एशिया की 69वीं यानी कि 69वीं सौर घड़ी हम लोगों ने बनाई है। काशीपुर में 20 सालों से बीजेपी के विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा के चुनावी मुद्दे सिर्फ सभाओं तक ही सुनाई दिए, लेकिन काशीपुर की जनता को कभी उन समस्याओं से निजात नहीं मिली। जलभराव सबसे बड़ी समस्या रही जिसको लेकर आज तक कोई भी समाधान जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया, यही वजह कि बरसात में काशीपुर जलमग्न हो जाता है। सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों की कमी जस की तस बनी हुई है। देखिए सर, पहली बात कि हमारे यहाँ जो भी विधायक वगैरह बनते हैं उतना ध्यान तो देते नहीं है, हमारी लेडीज के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है इस जगह पर, हमें ये लगता है जैसे हम बाहर निकलते कमेंटबाजी होती है, ये होता है वो होता है, लड़के देखते हैं हमें, ऐसी कोई सुविधा होनी चाहिए कि जिससे हमें भी सिक्योरिटी मिले। और बाकी देखा जाए तो सड़कों पर आने जाने के लिए रोड इतने जाम लगा रहता है, और जब बारिश वाला सीज़न होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है कि खड्डे बहुत हैं, और जब भी हम आते जाते हैं सड़कों पर कारें वगैरह आती है, पानी ऊपर आता है, ये सड़कें तो बहुत ही गंदी स्थिति में है। फ्लाई ओवर ही है, उससे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे अकॉर्डिंग है जाम लगना, जैसे रोज हम रेगुलर रोजगार के लिए जाते हैं, हमें टाइम टू टाइम ऑफिस जाना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उस टाइम पर नहीं पहुंच पाते। हम चल रहे थे बीच में इतना जाम लगा और हम एग्ज़ाम टाइम पर नहीं, तो उससे क्या हुआ, हमारा पूरा साल ख़राब हुआ, पूरा साल हमारा वो ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि वो स्थिति हमें ये दर्शा रही है कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर काम चल रहा है काशीपुर में, लेकिन वो 3-4 साल हो गए, उससे अबब हो गए और अभी भी आने वाले 3-4 साल वो और लेंगे। बस सरकार को ये दिखाना कि काम चल रहा है लेकिन काम हुआ नहीं है। देखिए, बात करी जाए तो वर्तमान भाजपा विधायक जी की, हरभजन सिंह चीमा जी की, तो उन्होंने केवल जनता को ठगा है, उन्हें धोखा दिया है। विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार की एक लाइन उन्होंने लगा रखी है, चाहे वो आरओबी को लेकर हो जो छतरी चौराहे पे बन रहा है, या फिर रामनगर रोड वाली क्रॉसिंग हो, या फिर यहाँ के सड़कों के खस्ता हाल हो। और रही बात कि कौन हमारे काशीपुर का विकास कर सकता है या किसको काशीपुर चुनने जा रहा है, तो वो ही व्यक्ति होगा जो युवाओं के रोजगार की, बिजली की, पानी की और मूलभूत सुविधाओं की, सड़कों की, नालियों की बात करेगा। क्योंकि जब बारिश होती है तो काशीपुर के हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं
कि ऐसा लगता है कि हम काशीपुर में नहीं किसी तालाब में रह रहे हैं। चीमा साहब का जो चुनाव लड़ने का रहा वो केवल धर्म और जातियों को आपस में बांटना, धन बल की राजनीति करना, गरीब जनता को एक तरीके से गुमराह करके उनको लुभावने वादे करके, लुभावने झूठी चीज़ें कर लोगों को लुभावने का काम किया। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, उसकी मुख्य वजह ध्रुवीकरण रही, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी का योगदान रहा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का योगदान रहा हो, तो कहीं ना कहीं जनता ने गुमराह होकर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और कांग्रेस हारने की मुख्य वजह रही। यूपी के बिजनौर जिले के अफजलगढ़ में ड्यूटी में तैनात सिपाही के साथ मारपीट के बाद मौके से फरार हुए बदमाशों को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। काशीपुर पुलिस के द्वारा आरोपियों को पकड़ते हुए लूटी गई राइफल और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तारीख की रात को 12:30 बजे अफजलगढ़ पुलिस के साथ में दो बदमाशों ने वहां पर जाके कांस्टेबल के साथ में बदतमीजी करी, उनके साथ मारपीट करी और उनकी एक राइफल लेके भाग गए थे। तो जैसे ही ये सूचना फ्लैश हुई, एक वीडियो हम लोगों को भेजा गया अफजलगढ़ पुलिस के माध्यम से, तो हम लोगों ने अपने SOG लगाई और थाने की टीम लगाई, तो हमें जानकारी हुई कि हमारे क्षेत्र के हो सकते हैं। इसी सूचना पर हम लोगों ने अफजलगढ़ पुलिस को यहाँ बुला लिया था और इस सूचना पर एक मुलजिम कल गिरफ्तार हुआ है जिसके कब्जे से इंसास लूटी हुई जो राइफल है वो बरामद हो गई है। जो हमारा कांस्टेबल वहाँ का यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल जिसके साथ मारपीट हुई थी वो इस समय यहीं काशीपुर में एडमिट है और खतरे से बाहर है। ये जो दोनों मुलजिम हैं इन दोनों के विरुद्ध हम लोग भी गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हैं, गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं और इनका ठीक ठाक आपराधिक इतिहास है, पहले भी लोग जेल जा चुके हैं। पिथौरागढ़ में चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसा एक गाँव ऐसा भी है जहाँ ग्रामीणों को सिलेंडर की कीमत 2000 रुपये चुकानी पड़ती है। दरअसल धारचूला तहसील के जयकोट गांव में संचार सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, जिस कारण लोगों की गैस बुकिंग नहीं हो पा रही। यही नहीं, जयकोट ग्राम सभा को जोड़ने वाला मार्ग भी पिछले 9 महीने से बंद पड़ा है, जिस कारण गांव तक सिलेंडर लाने में उसकी कीमत 2000 रुपए तक चुकानी पड़ती है। नेटवर्क की समस्या थी उस क्षेत्र में, अभी तक नेटवर्क नहीं है, जिस कारण जो है कि वहाँ पिछले 2 वर्षों से जो है मनरेगा के काम जो है कि यहाँ पे कोई भी मनरेगा की योजना नहीं आई है और गैस सिलेंडर ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि वो हमें सिलेंडर जो 900 में मिलना चाहिए था वो सिलेंडर हमें जो है 1500 से 2000 रुपये में मिल रहा है। तो सभी गाँव वालों ने निर्णय लिया है कि इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव बहिष्कार करेंगे। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पर्वतीय राजस्व निरीक्षक उप निरीक्षक राजस्व सेवक संघ के बैनर तले राजस्व कर्मियों ने पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में रैली निकालकर जोरदार नारेबाजी की। राजस्व कर्मियों ने सरकार से नायब तहसीलदार के पदों का एकीकरण न किए जाने के साथ ही पुलिसिंग के कार्य के लिए समान वेतन समेत अन्य मांगे रखी है। राजस्व कर्मियों का कहना है कि मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। के आह्वान पर 4 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ की जो पिथौरागढ़ जनपद की शाखा है वो पूरी की पूरी यहाँ पे आपका अभी कलमबद्ध हड़ताल में, जैसा कि आपको बताया। साथ ही साथ 4 सूत्री जो मांगे जिसके लिए हम यहाँ पे आप अभी हमारे द्वारा रैली करके धरना प्रदर्शन किया गया, वो 4 सूत्री मांगों में सबसे पहली मांग हमारी जो है कि वो जो हमारे नायब तहसीलदार के पदों पर राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानूनों के पदों का एकीकरण की बात हो रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा, समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात की जा कर रहे हैं हम। तीसरी, हमारे तो हमारी मांग यह है कि हमारे जो राजस्व निरीक्षक का 16 बैच है उसको तुरंत ही प्रशिक्षण में भेजा जाए और साथ ही साथ आप राजस्व निरीक्षक के जो पद हैं उनका पुनर्गठन किया जाए। और चौथी मांग हमारी यहाँ पे यह है कि जो हमारे राजस्व कर्मचारी हैं जिनका कि 7वें वेतनमान का जो लाभ है वो 2006 से लेकर 11 तक का जो अभी तक भुगतान नहीं किया गया है उसका अतिशीघ्र भुगतान किया जाए, अन्यथा की स्थिति में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पे अभी आज धरना प्रदर्शन किया गया और प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार आगे धरने को और भी उग्र रूप से यहाँ पे सरकार के समक्ष रखा जाएगा। जोशीमठ विकासखंड में हेलम उर्गम मोटर मार्ग के अवरुद्ध होने की वजह से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। गुरुवार सुबह करीब 12 बजे भारी बारिश के बाद सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से ढह गया, जिससे सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं अब लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। माना जा रहा है कि सड़क खुलने में अभी और समय लग सकता है। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि हेलम उर्गम मोटर मार्ग जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है के अंतर्गत है, ADB खंड जो है गोपेश्वर और हेलंग से जो है किलोमीटर 3 से 4 के बीच में जो है कि काफ़ी हिस्सा जो है 2 बैंड टूट गए हैं और रोड की कनेक्टिविटी नहीं होने से जो है यहाँ उर्गम में भी लगभग 250-250 यात्री फंसे हुए हैं और यातायात के साधन लोग यहाँ पर जो भी डुमा कलगोट पल्ला के मणा और उर्गम वैली के जो है 5-6 ग्राम सभाएँ हैं, सभी के लिए जो है कि मूलभूत सुविधाएँ जो भी सामग्री है उसको लेने में कठिनाई होगी,
सरकार को इस पर जल्दी से विचार करना चाहिए, और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, इसके लिए भी जो है बड़ी परेशानी हो सकती है। इस रोड के बारे में जो है विचार करना बहुत आवश्यक है।